तो हाय दोस्तों, आज हम प्लान देखेंगे 12 फीट बाई 40 फीट का। तो ये जो हमारा घर का नक्शा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 12 फीट की है और जो इसकी लंबाई है वो 40 फीट की है। तो बेसिकली ये जो हमारा घर का नक्शा है, ये तीनों तरफ से क्लोज्ड है और सामने से ओपन है। यानी ये जो तीनों साइड है, वो तीनों साइड हमारे प्लॉट आएंगे और जो सामने हमारा रोड आएगा, तो आपको सामने से वेंटिलेशन मिल जाएगा, यानी लाइट मिलेगी, एयर मिल जाएगी और एंट्री आपकी सामने ही रहेगी। तो गाइस, मैं आपको दो प्लान समझाऊंगा। पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का प्लान समझा दूंगा, फिर मैं इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान समझा दूंगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। और आपको अगर आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे ग्राउंड फ्लोर में एंटर करते, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये पार्किंग का एरिया आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये पूरा पार्किंग का एरिया है। इसका जो साइज है वो 11 फीट 3 इंच है, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो 11 फीट 3 इंच मिलेगी। ये अंदर अंदर की है, दीवार छोड़ के जो आपको अंदर की स्पेस मिलेगी। और जो इसकी लंबाई है, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दिया है 11 फुट 2 इंच, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉलम तक 11 फीट 2 इंच आएगा। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फीट 10 इंच है, यानी जो स्टेयर्स है हमारी, आप देख सकते हैं ये हमने आगे सीढ़ियाँ बनाई है, तो उसके जो नीचे की जगह हमें मिलेगी, तो पार्किंग को हम यहाँ नीचे डाउन रखेंगे, तो उसके जो नीचे की जगह मिलेगी उसे हम पार्किंग के अंदर यूज़ करेंगे। तो जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट 10 इंच की है, तो यानी जो टोटल पार्किंग हमको मिलेगी वो 15 फीट की मिलेगी। तो आप एक आराम से कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो पार्किंग से हम आगे जाए तो हमने यहाँ पे ये दो स्टेयर्स, दो सीढ़ियाँ प्रोवाइड की है, तो जिससे हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, यहाँ पे एक हमारा लैंडिंग है उस पे आ जाएंगे। तो पार्किंग का लेवल हम डाउन रखेंगे और उससे हम दो सीढ़ी ऊपर हम यहाँ पे बाकी हमारे घर का लेवल रखेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने हमने यहाँ पे 3 फीट का दरवाजा दिया है, तो इससे हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। तो हॉल का जो साइज है वो 11 फीट 3 इंच बाई 12 फीट का है, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो 11 फीट 3 इंच की है और जो लंबाई है वो 12 फीट की है। और हॉल के अंदर हमारे हवा उजास के लिए, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे हमने ये खिड़की दी है, जो सीढ़ियों से यहाँ, ये यहाँ पे हमारे सीढ़ियाँ चालू होंगे तो उसके बाजू वाली दीवार पे हमारी ये खिड़की होगी, तो यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल से हम आगे जाए तो हमने यहाँ पे ये पैसेज दिया है 3 फीट का, तो अंदर जाएंगे हम किचन के अंदर। तो जो हमारा ये किचन है, इसका जो साइज है, जो इसकी चौड़ाई है वो 7 फीट की है और जो लंबाई है वो 8 फुट 10 इंच की है। किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये रेड लाइन दी है, तो यहाँ से इसको वेंटिलेशन मिलेगा। तो ये जो रेड क्रॉस लाइन है, ये हमारा ओटीएस है। ओटीएस जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है, यानी ये जो ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। जो किचन में आपकी जो गैस होती है और जो अगर हमारे जो कुछ लाइट और एयर हमको यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी किचन के अंदर, आप यहाँ पे बिल्कुल ये सीधा सा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और जो ओटीएस रहेगा ऊपर तक ओपन रहेगा, तो ग्राउंड में आप यहाँ पे से वॉश एरिया, जो किचन के आपके बर्तन है ये सब अगर आपको धुलना है तो आप यहाँ पे वॉश एरिया की तरह यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये दरवाजा दिया है 2 फीट 6 इंच का, तो इससे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया, यानी ये हमारा टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है। इसका जो साइज है वो 3 फीट 10 इंच बाई 6 फीट का है, जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट 10 इंच की है और जो लंबाई है वो 6 फीट की है। और इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दी है, तो ये विंडो भी हमारी यहाँ ओटीएस के अंदर खुलेगी, तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और जो हमारे जितनी लाइन है, पाइप लाइन है, और जो हमारी ये वेंटिलेशन के लिए हमारे जो ड्रेनेज लाइन है, सारी हमारी यहाँ इस ओटीएस में से आ जाएंगी और जो चैम्बर है हम यहाँ ओटीएस के अंदर ही प्रोवाइड करेंगे, तो आपको पूरे घर में यहाँ पे कोई शो नहीं होगी। तो हमारा ये जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमने जो सीढ़ियाँ यहाँ बाहर से प्रोवाइड की है, तो हमारे जो सब्सक्राइबर है जिन्होंने हमें कमेंट किया था ये प्लान बनाने के लिए,
तो उनकी जो डिमांड थी कि उनको स्टेयर्स बाहर से चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ सीढ़ियाँ बाहर से प्रोवाइड की है। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से मुड़ के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे, और जो सीढ़ियों की चौड़ाई है वो 3 फीट की है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पहले माले पे आ चुके हैं गाइस। तो हमारा ये फर्स्ट फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर पे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो ये हमारा ये 3 फीट का पैसेज मिलेगा। तो पैसेज के आगे यहाँ पे 3 फीट का दरवाज़ा दिया है, तो इससे हमने आगे यहाँ बेडरूम बनाया है। तो बेडरूम का जो साइज है वो, इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट 3 इंच की है और जो लंबाई है वो 12 फीट की है। तो आप देख सकते हैं एक बड़ा सा हमको बेडरूम मिल जाएगा, और उसके आगे हमारा ये पैसेज दिया है। पैसेज के अंदर हमने यहाँ पे ये 2 दरवाजे देख दिए हैं। तो आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा हमारा यहाँ पे है और एक दरवाज़ा यहाँ पे है। तो ये दरवाजे से हम अंदर जाएंगे बाथरूम के अंदर। तो बाथरूम का जो साइज है वो 3 फीट 10 इंच बाई 6 फीट का है, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो 3 फीट 10 इंच की है और जो लंबाई है वो 6 फीट की है। तो ये हमारा सिर्फ बाथरूम है। और जो सामने वाला दरवाज़ा दिया है उसके अंदर हमने ये टॉयलेट एरिया बनाया है, आप देख सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट 7 इंच की है और जो लंबाई है वो 3 फीट 6 इंच की है। तो और जो हमारा इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए हम यहाँ डोर में दे सकते हैं, और इसके लिए हम यहाँ पे विंडो में दे देंगे। और आप लास्ट में देख सकते हैं हमारे ये ओपन स्पेस आ रही है। तो बेसिकली क्लाइंट की जो डिमांड थी उनको लास्ट में यहाँ पे ये ओपन स्पेस चाहिए, तो जो OTS रहेगा वो पाइपलाइन ये सब यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे की वेंटिलेशन के लिए काम आएगा। और फर्स्ट फ्लोर पे हमारा यहाँ पे ये स्लैब रहेगा, पर ऊपर जो हमारा जो टेरेस आएगा तो टेरेस पे यहाँ पे ये स्लैब नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम जाली लगाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पे फ्लावर गार्डनिंग ये सब कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं हमारे बेडरूम के लिए, या फिर आप यहाँ पे छोटा सा झूला भी लगा सकते हैं। तो इस तरफ का हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो सीढ़ियों के इस तरफ जो हमारी स्पेस आ रही है उसका मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये 3 फीट का दरवाज़ा आ जाएगा, इससे हम दूसरे बेडरूम में जाएंगे। तो हमारा ये छोटा सा बेडरूम आएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो 11 फीट 3 इंच की आएगी और जो इसकी लंबाई है वो 8 फीट 5 इंच की आएगी। तो आप यहाँ पे एक बेड हमारा आ जाएगा, सिंगल बेड और एक कबर्ड आ जाएगा। और इसके आगे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये वॉल दी है, तो वॉल के जो हमारे यहाँ पे वॉल के नीचे जो बड़ी सी स्लाइडिंग आएगी, आप देख सकते हैं हमारी ये स्लाइडिंग आएगी, तो ये ओपन करके हम आगे जाएंगे बालकनी के अंदर। तो बालकनी जो हमने थोड़ी चौड़ी प्रोवाइड की है, तो जो हमारा प्लॉट है वो यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा 40 फीट। आप देख सकते हैं हमारा ये कॉलम है पहला, तो इसके आगे हमने ये 3 फीट जो है वो बालकनी एक्सटेंड की है। तो 3 फीट हमने यहाँ लिया, 2 फीट हमने अंदर प्लॉट में लिया, तो टोटल हमारी 5 फीट जो हमारी देख सकते हैं हमारी ये चौड़ी बालकनी हो जाएगी। तो आप स्लाइडिंग ओपन करके यहाँ बालकनी में आ सकते हैं। बालकनी से आपको पूरा व्यू मिलेगा रोड का। बालकनी में आप सोफा रख सकते हैं, झूला रख सकते हैं और हमारे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको ये प्लान प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो बेसिकली ये मेरा 2D प्लान है, इसके बाद मैं इसका 3D मॉडल वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तो आप वो भी जाके देख लेना, तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ गाइस, ये जो मेरा 12 फीट बाई 40 फीट का प्लान है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, आपको बहुत सारे 12 फीट बाई 40 फीट के प्लान मिल जाएंगे। और जो आपको दूसरे प्लान बहुत सारे हमारे अपलोडेड है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।